आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। दोस्तों केरल में मानसून की दस्तक, 7 दिन देर से ही सही लेकिन मानसून ने आज केरल में दस्तक दिया है। कब होगी उत्तर भारत में बारिश, तब तक हुआ उत्तर भारत में ये भी बताएंगे, और मानसून देर से क्यों आया और आंधी तूफान कहाँ आने वाला है कैसे, सब डिटेल्स बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फेसबुक पे देखते हैं फॉलो का बटन दबाइए। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग इसको बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों तो शुरू करते हैं। आंधी तूफान के आसार भी हैं, केरल में मानसून की दस्तक हो चुकी है, 7 दिन से 8 दिन का देरी हुआ है उत्तर भारत के राज्यों में, कब होगी बारिश मेन मुद्दा ये है, क्योंकि तपता हुआ उत्तर भारत गर्मी का प्रकोप और हीट वेव झेल रहा है। केरला मानसून अपडेट, 7 दिन की देरी से ही सही केरल में मानसून ने दी दस्तक। केरल में मानसून ने दी दस्तक, दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों में कब होगी बारिश, 7 दिन की देरी से ही सही लेकिन केरल में आखिरकार मानसून ने दस्तक दे चुका है। हालांकि भारत में मौसम विज्ञान ने चेतावनी दी है, अगर गंभीर चक्रवात के कारण शुक्रवार में इसे हल्के रहने की संभावना है। अभी मतलब मानसून को एक्टिवेट होने में 1-8 दिन का समय तो लगेगा ही। केरल में मानसून 1 जून में ही आ जाता है और पूरे 7 दिन की देरी से, लगभग 7 से 8 दिन की देरी से मानसून केरल पहुंचा है। तो क्या मानसून सुस्त भी रह सकता है आने वाले 48 घंटे के दौरान, ये धीरे धीरे पता चलेगा। और अरब सागर में चक्रवात ने ही इसे रोक रखा था और चक्रवात भी अब दूसरी दिशा में मुड़ता हुआ नजर आया। मानसून की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने का अलर्ट पहले ही दिया था। बता दें केरल में मानसून के पहुंचने की तारीख 1 जून थी, 8 जून को मानसून ने राज्य में दस्तक दी है। IMD के मुताबिक दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और तेजी आने के कारण चक्रवात हवाएं मानसून के केरल तट की ओर आगमन की गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। तो अभी दोस्तों मानसून थोड़ा धीमा रह सकता है इस साल, ऐसा अनुमान लगाया गया है, और सूखा भी हो सकता है। अब उत्तर भारत में कब आएगा मानसून, IMD के मुताबिक अगले 24 घंटे में केरल में मानसून एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद मानसून का असर तमिलनाडु, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्टर्न इंडिया में दिखाई देगा। इसके बाद धीरे धीरे UP, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में पहुंचेगा। मध्य भारत के जो किसान बारिश के समय फसल बोने का इंतजार कर रहे हैं उसे करीब 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों अभी भी आप अगर उत्तर भारत में रहते हैं और गर्मी का तपिश झेल रहे हैं तो 8 से 10 दिन आपको अभी और भी हीट वेव झेलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था मानसून का अपडेट। मानसून आखिरकार केरल में दस्तक दे चुका है और धीरे धीरे अब देश का मौसम बदलने लगेगा, क्योंकि बहुत गर्मी हो चुका, अब धीरे 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 बारिश होते होते बरसात के कारण गर्मी थोड़ी कम होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। आप लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो खुश होने जैसा खबर है आप लोगों के लिए। और अगर चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली तक, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाइए, यूट्यूब के आप सब्सक्रिप्शन करके और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।